चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 का 17वां मुकाबला खेला गया, जहां सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराकर इस सीजन में अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की ये लगातार चौथी हार है। आपको बता दें कि आज सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में मात्र 154 रन ही बना सकी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए आज युवा खिलाड़ी अभिषेक शर्मा हीरो रहे, जिन्होंने 75 रनों की पारी खेलते हुए टीम को इस सीजन में पहली जीत दिलाई। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत अहम था, क्योंकि वो पिछले सीजन से ही लगातार हारते आ रहे थे, लेकिन इस सीजन में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से चेन्नई के गेंदबाजों को धूल चटाई। आपको बता दें कि इस सीजन अभिषेक शर्मा का बल्ला भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बोला, लेकिन चेन्नई के सामने ओपन करते हुए उन्होंने शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने टीम को एक महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 5 चौके और 3 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 150 का रहा। उन्होंने चेन्नई के सभी मुख्य गेंदबाजों में जमकर मार लगाई। हालांकि अंत तक आते आते अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक शर्मा अपनी टीम को जीत के पार ले गए। उनकी इस पारी से टीम के साथ साथ उनका खुद का आत्मविश्वास भी बड़ा होगा। जीत के साथ अब सनराइजर्स हैदराबाद अंक तालिका में थोड़ा ऊपर आएगी, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स इस वक्त 10वें स्थान पर पहुंच चुकी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।